A very good morning to all of you. This is Inky Singh, and today we are going to start the chapter of class 5th, chapter 7. The chapter name is Air and Water Essential for Life. हम इस चैप्टर में जो कि हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, हवा की कितनी लेयर पाई जाती है, ठीक है, उन लेयर में क्या क्या कौन कौन सी गैसेस कंसिस्ट होती है, और हमने देखा था एयर कौन कौन सी गैसेस को कंसिस्ट करता है, कौन कौन सी गैसेस मिली होती है हवा में, और एयर के द्वारा हम ब्रीथिंग प्रोसेस कैसे करते हैं. मतलब ये सारे कुछ फर्दर टॉपिक हमने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट करे थे. आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर बेसिकली जो मेन पर्पस हम पढ़ने वाले हैं वो एयर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे हम? एयर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और एयर किस तरह से प्रेशर लगाता है अपने सराउंडिंग, किस किस तरह से वो प्रेशराइज होता है, प्रेशर लगाता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे. तो मेन जो हमारा टॉपिक है आज का वो एयर की प्रॉपर्टी जानना और एयर प्रेशर किस प्रकार से लगता है और कहाँ कहाँ लगता है, ये सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. जो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एयर है, ठीक है. देखिए ये जितनी भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सब में एक एक कोई ना कोई एक्टिविटी है. अगर आप स्कूल में होते तो ये सारी एक्टिविटी मैं आपके सामने और आपको दिखा के करूँ. प्रैक्टिकल का मतलब ही होता है, प्रैक्टिकल का मतलब ही होता है कि आप सामने से वो चीज़ों को देखो. अब जहाँ पर यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास के, यूट्यूब क्लास की, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी आपको ड्रॉ करके समझाने की. मैं उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आएगी. और अगर दूसरी हम बात करें तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बोलूँगी वो आप घर पर प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ठीक है. वो प्रैक्टिकल करके आप देखें तो आपको ये चीज़ें, ये जितने टॉपिक भी हैं वो सारे प्रैक्टिकल वाले ही टॉपिक हैं. इनमें प्रैक्टिकल थिंग्स जब आप करेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे तो आपको समझना और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, जो कि मैं प्रीवियस क्लासेस में करवा चुकी हूँ, बट आपकी क्लास में मैं अब हूँ, अब पढ़ा रही हूँ. तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको क्लियर समझ में आए. तो एयर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, हम वन बाय वन ये यहाँ तक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है एक बार पढ़ लेते हैं. एयर ऑक्यूपाई स्पेस, मैं इन सबका मतलब समझाऊंगी अभी. एयर इज यूज टू इनफ्लेट थिंग्स, ठीक है. हवा जगह घेरती है, हवा चीज़ों को फुलाने में, जो फुलाने लायक चीज़ें उनमें काम आती है. हवा का वजन होता है और हवा प्रेशर को एग्जिस्ट करती है, ठीक है. ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे. तो चलिए एक एक एक्टिविटी या एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं. सबसे पहला है एयर ऑक्यूपाई स्पेस. हवा जगह घेरती है, हवा जगह घेरती है. अब इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे हवा तो हमारे चारों तरफ है, उसने तो कोई जगह नहीं घेरी, हम तो हर सामान जगह पे रख देते हैं. हवा जगह घेरती है लेकिन आपको नजर नहीं आती है. कैसे? देखिए हवा क्या है? हवा मिक्सचर ऑफ गैसेस है. हवा क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है. पहले हम एयर का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको और ठोस समझाने वाला एग्जांपल हम और लेंगे, ठीक है. अब देखिए कि आपने एक ग्लास लिया, सपोज कीजिए एक बकेट है यहाँ पर, सपोज कीजिए ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और मैंने एक कांच की ग्लास ली है. कांच की ग्लास हम क्यों लेंगे? ताकि हम उसको देख पाएं ठीक से, या कोई भी हम आप कोई भी ग्लास ले सकते हो. तो ग्लास को जब हम पानी में ऐसे डिप करेंगे तो वो बार बार ग्लास ऊपर की ओर आएगी. आप घर पे करके देख सकते हैं चीज़ें, बार बार ग्लास ऊपर की ओर आएगी, बार बार ग्लास ऊपर की ओर आएगी, लेकिन वो अंदर नहीं जाएगी. लेकिन हाँ, वो अंदर तब जाएगी जब हम उसको थोड़ा सा टर्न करेंगे ना, और उसके अंदर पानी भर जाएगा तो वो अंदर की ओर चल जाएगी. ऐसा क्यों हुआ? देखिए जब हमने इसको डायरेक्ट डिप करने की कोशिश करी तो वो ग्लास अंदर की ओर नहीं गई. क्यों? क्योंकि उस ग्लास में क्या था? ऑलरेडी एयर था, हवा की मात्रा उस ग्लास में थी. हर जगह हवा होती है क्योंकि हवा कलरलेस होती है, हमें नजर नहीं आती, ठीक है. हवा उस ग्लास में थी इसलिए वो ग्लास अंदर नहीं गई, पर जैसे ही हमने ग्लास को थोड़ा सा टर्न किया तो हवा उसमें से निकल गई और ग्लास नीचे की ओर चली गई, पानी की ओर चली गई. तो इससे हमें यह समझ में आता है कि हवा क्या करता है. हवा ऑक्यूपाइज स्पेस, हवा जगह घेरता है, हवा जगह घेरता है. हम हवा इजिकल टू गैसेस ले सकते हैं. हवा का मतलब क्या है? इजिकल टू गैसेस. हवा क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है. तो आपने कभी देखा है कि जो आपकी परफ्यूम्स की बोतल होती है उसमें कितनी सारी गैसेस भरी होती है, तो वो जगह घेर रही है ना. सिलेंडर हो गया उसमें गैस होती है, परफ्यूम की बोतल्स में गैस होती है, तो जगह कोई ना कोई जगह घेरती है.
तो आप इस तरह से भी उस चीज को समझ सकते हो। तो अभी हमने क्या समझा, हमने समझा हमने ग्लास को होल्ड किया, ग्लास को जब डायरेक्ट डिप करने की कोशिश करी पानी में तो ग्लास बार बार निकल रहा था, बट हमने जब ग्लास को थोड़ा सा टर्न किया तो ग्लास अंदर की ओर पानी में नीचे की ओर डूब गया। पहले उसमें हवा थी, हमने थोड़ा टर्न किया तो हवा बाहर निकल गई, ठीक है, प्रेशराइज के वजह से। चलिए, हवा क्या जगह घेरती है, ये टॉपिक क्लियर है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, एयर इज यूज टू इन्फ्लेंट थिंग। अब ये तो बहुत ही साधारण चीज है, आपको पता है जो चीजें फूलने वाली होती है, जैसे बैलून हो गया, आपके टायर्स हो गए, ये सारी चीजें क्या होती है, इनमें हवा हम भरते हैं। फुटबॉल हो गया, फुटबॉल में हवा भरी होती है बट उसमें प्रेशर से हवा देनी होती है, इसलिए हम पंप का इस्तेमाल करते हैं। टायर भी टाइट होता है, उसमें भी प्रेशर से हवा देनी होती है, इसलिए हम पंप का इस्तेमाल करते हैं। बट बैलून्स में हम क्या करते हैं, मशीन भी होती है बैलून को फुलाने की, ठीक है, और हम अपने द्वारा, मुंह के द्वारा भी बैलून को फुला लेते हैं। तो हमें क्या समझ में आता है इससे कि एयर इज यूज टू, एयर किसके लिए इस्तेमाल होता है, इन्फ्लेंट थिंग यानी चीजों को फुलाने के लिए एयर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है एयर की, हमने देखा एयर जगह घेरता है, फिर हमने देखा एयर का इस्तेमाल चीजों को फुलाने में किया जाता है, उसके बाद एयर हैज वेट, एयर का हवा का भार होता है, या भार हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि भार होता है कि नहीं। चलिए एक एक्टिविटी ले लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे नजर आएंगी चीजें, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है। मैंने यहाँ पर एक डंडा लिया है, ठीक है, एक स्टिक ली है, और मैंने यहाँ पे दो बलून इस जगह और दो बलून इस जगह को क्या कर दिया है, ऐसे लटका दिए हैं, ठीक है, होल्ड करवा दिए हैं। दो बैलून, दोनों मैंने फुलाए बलून को, बैलून्स को फुलाने के बाद इन दोनों को मेंटेन मात्रा में, मतलब पर्याप्त, जितनी एयर इस इधर साइड के बैलून में है उतनी ही एयर इधर साइड के बैलून में है, तो हमने दोनों बैलून को बैलेंस्ड तौर पे फुला दिया है। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड के दो बैलून को फोड़ देंगे। तो जब बैलून को हम फोड़ देते हैं तो बैलून कैसे नजर आते हैं, कुछ इस तरीके से नजर आते हैं, ठीक है। जब हम दोनों बैलून को फोड़ देंगे, उसको प्रिक कर देंगे, तो आप देखोगे कि ये वाला हिस्सा नीचे की ओर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, नीचे की ओर। अच्छा, क्यों आया नीचे की ओर, क्योंकि दोनों में, दोनों साइड में बराबर वजन से बैलून फुला हुआ था, लेकिन जब हमने एक साइड के बैलून को फोड़ दिया तो वो कैसे हो गया, ऐसे हो गया, क्योंकि इधर साइड के बैलून में ज्यादा भार है, इधर साइड के बैलून का भार कम हो गया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर से हवा निकल गई। जब हवा निकल जाएगी दूसरे बैलून से तो इधर साइड के बैलून जो कि फुले हुए हैं अभी भी, उसका भार ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो नीचे की ओर आ जाएगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एयर हैज वेट, हवा का भी भार होता है, हवा का भी भार होता है, ठीक है। देखिए, बैलून लीजिए या कोई भी दूसरी चीज आप ले लीजिए, जब दोनों में हमने इक्वल मात्रा में भार रखा है तब तो वो ऐसे रहेंगे, बट अगर एक का भार हम कम कर देंगे तो दूसरे का भार क्या हो जाएगा, अपने आप ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वही बात है, पहले हमने दोनों को पर्याप्त मात्रा में एयर दी, उसके बाद एक को हमने फोड़ दिया, तो ये कुछ इस तरीके का हो गया, सॉरी ऐसा हो गया, ये इधर का ऊपर उठ गया और इधर का नीचे की ओर झुक गया, ठीक है, ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा। इसको मैं रब कर देती हूँ, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होंगी चीजें। नेक्स्ट हमारा क्या है, चलिए, एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर प्रेशर लगाता है, हवा प्रेशर लगाती है। हवा कैसे प्रेशर लगाती है, प्रेशर कैसे लगता है हवा में, ये देख लेते हैं हम। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, या आप ये बोल सकते हो कि, तो सपोज कीजिए कि हमें कंटेनर का भी एग्जांपल ले सकते हैं और हम ग्लास का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। हम ग्लास में सपोज कीजिए हमने एक पानी को भर दिया पूरी तरीके से, एक ये सपोज कीजिए ग्लास है, पूरा फुल करना है पानी को, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, पूरा फुल किया है, बट हाँ इसमें कोई भी बैलून नहीं होना चाहिए, बबल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, बबल्स ना हो इसमें, इसका ध्यान दे। फिर हम एक कार्डबोर्ड लेंगे, सपोज कीजिए आपने ये कुछ इस तरह से एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड लेंगे, कुछ मोटी होनी चाहिए, या कागज, कागज तो नहीं, कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इसको इस तरीके से ऐसे कवर करेंगे एंड देन इसको इस तरीके से कर लेंगे। तो ये करने के बाद आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर ये आएगा कि आप जब अगर इसको छोड़ भी देंगे तो ये पानी इससे बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हवा के जो मॉलिक्यूल्स है वो इंटरलॉक हो चुके हैं आपस में। हवा ने अपना प्रेशर बनाया, प्रेशर बनाने के बाद वो
पूरा इर्द गिर्द से इंटरलॉक कर चुका है, हवा पूरी तरीके से इसको पैक कर चुका है, इसलिए पानी इसमें से नहीं गिरेगा। ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि पानी में बैलून या बबल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, और वो पूरी फुल होनी चाहिए। सावधानी से करेंगे तो उसमें से पानी नहीं गिरेगा, और क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि हवा का दबाव लगेगा, हवा दबाव लगाता है, और हवा ऑल डायरेक्शन में दबाव लगाता है, डाउनवर्ड अपवर्ड सारे डायरेक्शन में दबाव लगाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एयर एक्सर्ट प्रेशर देख लिया, ये हमने एयर की प्रॉपर्टी पढ़ी। एयर क्या क्या कर सकता है, हवा जगह घेरती है, हवा से चीज़ों को फुलाया जा सकता है, सेकेंड थिंग हवा के पास वजन होता है, भार होता है, थर्ड वन हवा प्रेशर लगाती है, हवा दबाव लगाती है। चलिए दबाव का एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि एक तरफ से आंधी आई, आंधी का मतलब क्या होता है, प्रेशर ऑफ एयर, आंधी का मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ एयर, मतलब हवा बहुत ही प्रेशर से आ रही है। तो आपने कई बार देखा होगा हवा से पत्ते उड़ना शुरू हो जाते हैं, कई बार तो इतनी तेज आंधी आती है कि हम ऐसा लगता है कि हम गिरने वाले हैं, है ना। तो ये क्या है, ये हवा दबाव ही तो बना रही है, हवा प्रेशर लगा रही है। तो हमने ये समझा लास्ट टॉपिक में कि एयर एग्जर्ट प्रेशर, हवा दबाव लगाती है। चलिए हमने प्रॉपर्टी क्लियर कर ली, अब हम देखेंगे मेकिंग यूज ऑफ एयर प्रेशर इन द डेली लाइफ। हम एयर प्रेशर का इस्तेमाल कैसे डे टू डे लाइफ में करते हैं, हम डे टू डे लाइफ में चीजें कर रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसमें एयर प्रेशर का इस्तेमाल हो रहा है, हवा पे दबाव का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने दिखा है, ये हर टॉपिक को देखना, इन सब की एक्टिविटी है, आप बुक में देख सकते हो एक्टिविटी को और घर पे भी इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। चलिए, फिलिंग मेडिसिन इन द ड्रॉपर एंड इंक इन द फाउंटेन पेन। इसमें बोला गया है हवा के प्रेशर के वजह से, हवा का जो प्रेशर होता है उससे हम ड्रॉपर में जो कि आपका ड्रॉपर होता है उसमें मेडिसिन को फिल करते हैं, और जो आपका फाउंटेन पेन होता है उसमें इंक को फिल करते हैं। एयर प्रेशर की वजह से हम क्या क्या करते हैं, ड्रॉपर में किसको, मेडिसिन को फिल करते हैं, जो कि आपकी सपोज कीजिए छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को सिरप दी जाती है अगर वो बीमार होता है तो, और सिरप पिलाने के लिए अगर वो बहुत 6 मंथ का बेबी है तो उन्हें ड्रॉपर दी जाती है, ठीक है, ड्रॉपर। और वैसे ही हूबहू वैसा ही एक फाउंटेन पेन होता है, उसमें भी ड्रॉपर की मदद से ही फाउंटेन पेन में इंक डाली जाती है। तो दोनों में से कोई भी मैं एक एग्जांपल समझा सकती हूँ, तो आप सबके घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा मे भी होगा, ठीक है, या आपने कभी ना कभी आपने छोटी वाली शीशी जो होती है, छोटी जो आपका कंटेनर होता है सिरप का, वो देखा होगा। तो आपने देखा है कि छोटा ड्रॉपर आता है, ड्रॉपर में क्या होता है, जब हम वो रबर कैपर जो होता है, रबर का जो कैप होता है उसको क्या करते हैं, बंद करते हैं, दैट मीन्स उसको क्या प्रिक करते हैं, थोड़ा सा उसको दबाते हैं, जब प्रेशर लगाते हैं उसमें, दबाव लगाते हैं, तो उसके अंदर से हवा, जो भी हवा उसमें होती है वो बाहर की ओर आ जाती है, और फिर हम उसको जब ड्रॉपर में डालते हैं या फिर उसको खोलते हैं तो वो लिक्विड उसमें फिल हो जाता है। तो ये एयर के प्रेशर के वजह से, हवा के प्रेशर के वजह से हम उसके अंदर ड्रॉपर में मेडिसिन को, यानी दवाई को डाल पाते हैं, ठीक है। आप घर पे करके देख सकते हो, अगर ड्रॉपर है तो आप उसको दबाएंगे रबर के कैप को, एंड देन उसको किसी भी लिक्विड में डालेंगे, और जब उसको खोलेंगे तो लिक्विड उसके अंदर फिल हो जाएगा। तो ये हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रिक का, वो एयर प्रेशर के वजह से ही हो पाता है, हवा के दबाव के वजह से ही हो पाता है। और सेम यही दबाव किसमें यूज होता है, फाउंटेन पेन की इंक डालने के लिए भी सेम क्राइटेरिया को मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिलिंग मेडिसिन इन द सिरिंज, सिरिंज में मेडिसिन को फिल करना, सिरिंज में जो हम दवाई को भरते हैं वो भी इसी प्रकार से होता है। आपने देखा होगा, मैंने प्रीवियस क्लासेस में तो एक्टिविटी करवाई थी, जो बच्चे अब 6th में गए हैं उनको एक्टिविटी ये करवा के दिखाई थी स्कूल में, बट इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप कोई भी सिरिंज होती है, कभी भी डॉक्टर के पास आप गए हैं तो आपने नोटिस किया होगा, वो सिरिंज में से सबसे पहले हवा को निकालते हैं, ठीक है। और जब वो सिरिंज को, सपोज कीजिए सिरिंज है, सिरिंज को नीचे की ओर दबाव लगा के इस तरीके से खींचते हैं, अंगूठे की मदद से नीचे की ओर खींचते हैं,
तो उसके अंदर जो निडिल होती है, जो निडिल में दवाई होती है, निडिल के द्वारा जो दवाई है वो अंदर की ओर आना शुरू हो जाती है इस तरीके से, ऐसे अंदर की ओर आना शुरू हो जाती है। तो ये किस तरीके कैसे होता है, वो हवा के प्रेशर की वजह से होता है। हवा के प्रेशर की वजह से ही जब हम उस निडिल से लिक्विड पार्ट को नीचे की ओर खींचते हैं तो आराम से नीचे की ओर आना शुरू हो जाती है। तो एयर प्रेशर का इस्तेमाल सिरिंज में, सिरिंज के अंदर मेडिसिन डालने के लिए भी किया जाता है। और किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एयर प्रेशर हेल्प टू ड्रिंक विद स्ट्रॉ। एयर प्रेशर का इस्तेमाल पानी पीने के लिए, स्ट्रॉ द्वारा पानी पीने के लिए, स्ट्रॉ द्वारा कोई भी लिक्विड, आप जूस जूस पीते हैं, आप कोई भी पर्टिकुलर जूस पीजिए या कोई पानी पीजिए, अगर आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप हवा के प्रेशर का ही यूज़ करते हैं। आप दबाव लगाते हो ना, सब करते हो, ठीक है, एंड देन क्या होता है, आपके एयर प्रेशर की वजह से ही वो लिक्विड आपके मुंह तक आ पाता है। तो हवा के प्रेशर की वजह से ही आप स्ट्रॉ द्वारा एक लिक्विड, कोई भी लिक्विड, कोई भी जूस, मिल्क, पानी पी पाते हैं, ठीक है। ये आपके डे टू डे लाइफ के ही हिसाब से सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका एयर प्रेशर फोर्स लिक्विड थ्रू द सिफोन। अब सिफोन का मतलब क्या है, एक एक मशीन में बना के यहाँ पे बता रही हूँ आपको। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, एक्टिविटी आपकी बुक में है। इसमें होता यह है कि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड पार्ट को डालना होता है। तो हम एक कंटेनर को ऊपर की स्थिति में रखेंगे। देखिए, ऊपर की स्थिति में डालने से एयर प्रेशर जो है वो डाउनवर्ड जल्दी प्रेशर लगाता है। सपोज कीजिए, मैं इससे पहले एक एग्जांपल दूसरा समझा देती हूँ। सपोज कीजिए एक बोतल है, एक बोतल में आपने पानी पूरा फिल कर दिया, वाटर पूरा फुल है, हमने नीचे एक छेद करा और ऊपर एक छेद किया, सबसे ज्यादा पानी कौन से छेद से निकलेगा, कौन से होल से निकलेगा, नीचे वाले होल से ज्यादा पानी निकलेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एयर जो है वो जो प्रेशर एग्जर्ट करती है वो डाउनवर्ड ज्यादा करती है, नीचे की ओर ज्यादा एग्जर्ट प्रेशर करती है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, एक कंटेनर में हमने पानी को भर दिया, ये थोड़ी ऊंचाई पे रखा हुआ है, कैसे ऊंचाई पे रखा है, आप पाइप का इस्तेमाल, रबर पाइप का, प्लास्टिक पाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपने एक पाइप का इस्तेमाल किया है और नीचे एक और कंटेनर को रख दिया, ये कंटेनर कैसा है, एम्प्टी है, खाली कंटेनर है। तो इसमें इस पाइप, इस शॉर्टर पाइप का नाम दिया आपने पाइप ए, और जो लॉन्गर पाइप है इसका नाम दिया आपने पाइप बी, ठीक है। अब होगा क्या, ये एक्टिविटी समझा रही हूँ बेटा, ध्यान रखना, एयर प्रेशर फोर्स लिक्विड थ्रू द सिफोन। तो ये जो प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड सिफोन, इसमें हुआ ये है कि इससे पानी, इसमें जो भरा हुआ पानी है वो धीरे 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 प्रेशराइज होके इस कंटेनर में आते जाएगा। तो हमने क्या देखा कि सिफोन यानी कि दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि ऊपर की स्थिति में, ऊपर जो कंटेनर है उसमें अगर पानी है तो नीचे के कंटेनर की ओर बढ़ते जाएगा और इसको पूरा फुल कर देगा, ठीक है, जितना पानी उसमें उपलब्ध है। देन है एयर प्रेशर कैन पुश द थिंग्स। एयर प्रेशर चीजों को पुश करवाता है। पुश करवाने का मतलब क्या है, आप डे टू डे लाइफ में एक अच्छा एग्जाम्पल पुश का, एयर प्रेशर की पुशिंग का, आप आंधी या हवा ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन योर बुक, इन योर बुक, बट मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि अगर आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो उसमें आप क्या देख रहे हो कि वो पुश कर रहा है, ठीक है, धक्का दे रहा है आपको, ओके, क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ऐसे धक्के की तरह दे रहा है। तो आपको क्या समझना है कि एयर प्रेशर क्या करता है, चीज़ों को पुश भी करता है, पुश करता है कोई भी थिंग्स है, अगर तेजी से हवा आ रही है तो क्या होगा, पुश हो जाएगा। पुश मतलब द पीछे की ओर धकेलना। तो अगर यहाँ से हवा आ रही है तो क्या होगा, मैं पीछे की ओर गिर जाऊंगी। कोई भी चीज़ें तेजी से हवा आ रही है तो पीछे की ओर गिर जाएगा, दैट मीन्स हवा जो है वो पुश करती है चीज़ों को। तो इसके साथ ये जो कंटेंट है वो कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम वाटर की इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, वाटर कैसे प्रेशर को एग्जर्ट करता है ये पढ़ेंगे, मतलब वाटर की सारी चीज़ें हम प्रीवियस नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, सॉरी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, समझ में आई है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।